So hello my dear students, welcome to CBSE T And students, as you all know, we are doing the complete NCRT book in this YouTube channel. So students, we have created the playlist and you can watch the videos one by one. So we have completed the first chapter that is your real number. So students, we have completed your first chapter of tenth class NCRT, and I have covered all the things of first chapter like example, theory concepts, and students exercise. तो वी हैव कम्पलीटेड दिस वे नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द सेकेंड चैप्टर अगर आपने उसको नहीं देखा है बच्चों जो फर्स्ट चैप्टर का सोल्यूशन है या थ्योरी है या फिर एग्जाम्पल है आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत आ रही है टेंथ क्लास में देन डेफिनेटली आप उसको देख सकते हो और वहाँ पर आपको फिर सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो बच्चों इस तरह से सिक्वेंस को आपको फॉलो करना है अगर आपको प्रॉपर स्टडी करना है और एग्जाम में अच्छा करना है तो डेफिनेटली फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप सेकेंड चैप्टर पर आएंगे अगर आप सेकंड चैप्टर पर गलती से आ गए तो आप फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लीजिए अगर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है ठीक है आइए बच्चों अब हम लोग डिस्कस करेंगे कि सेकेंड चैप्टर में हमारे पॉलिनोमल्स में क्या क्या कॉन्सेप्ट हैं वैसे तो आपने पॉलिनॉमल्स नाइन्थ क्लास में भी किया है बट स्टूडेंट्स नाइन्थ क्लास और टेंथ क्लास में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे जो नाइन्थ क्लास के कॉन्सेप्ट पहले हम को थोड़ा सा रिवाइज भी करेंगे जिससे हमें टेंथ क्लास के कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो ओके तो बच्चों यहाँ पर जो आपका टेंथ क्लास का है पॉलिनॉमल इसमें हम लोग मेनली बात करने वाले हैं के तो जीरोस के रिगार्डिंग तो आपको एक पॉलिनॉमल दिया जाता था और आप क्या करते थे कि उस पॉलीनॉमल के जीरो को फाइंड करते थे तो कैसे फाइंड करते थे <coughs> आप पॉलीनॉमल को इक्वल टू जीरो कर देते थे मान लीजिए एक्स प्लस वन का जीरो फाइंड करना है तो एक्स प्लस वन का जीरो फाइंड करने के लिए आप पी एक्स मान लीजिए आपके पास पॉलिमल पी एक्स है तो बच्चों तो आ गया तो मैं ये कह सकता हूँ एक्स क्या आएगा माइनस वन तो बच्चों एक्स इस तरह से माइनस वन माइनस वन इस पॉलीनॉमल का क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा लेकिन <coughs> यहाँ पर आपके नंबर ऑफ जीरो करेंगे डिग्री ऑफ द पोलिनोम तो डिग्री ऑफ द पोलिनोम यहां पे कितनी है बच्चों वन है क्योंकि लीनियर पोलिनोम है और लीनियर पोलिन की डिग्री क्या होती है वन होती है तो नंबर ऑफ जीरोस के रिगार्डिंग यहां पर हम डिटेल में बात करेंगे स्टूडेंट्स यहां पर लीनियर पोलिनोम क्वाड्रेटिक पोलिनोमल क्यूबिक पॉलिनोम क्या होता है जीरो पॉलिनोमल क्या होता है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल क्या होता है और ग्राफिकल मैथड टू फाइंड द नंबर ऑफ जीरो यानी आपको कोई भी ग्राफ दिया जाएगा और आपसे ये पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ जीरोज़ यहाँ पर कितने होने वाले तो उन सब चीज़ों के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं तो आइए बच्चों सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करता हूँ क्या क्या कॉन्सेप्ट को स्टडी करना है बिकॉज ये थ्योरी वीडियो है इसके बाद आपकी एक्सरसाइज यहाँ पर आपको मिलने वाली है तो सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे लीनियर पॉलिनोमल टाइप्स ऑफ पॉलिनोमल एंड जो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया ओके okay, स्टूडेंट्स तो इस तरह से आइए अब हम लोग देखते हैं

तो उसमें आप ये चेक करेंगे कि जो आपका वेरेबल है उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है मैक्सिमम पावर टू है थ्री है अगर टू है तो उसकी डिग्री दो हो जाएगी और अगर क्यूब क्यूबिक uh, है यानी कि पावर थ्री है तो उसकी डिग्री क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी ओके okay, स्टूडेंट्स और अगर लीनियर है तो क्या हो जाएगी वन हो जाएगी जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चों अगर मैं डिग्री की बात करता हूँ तो एग्जाम्पल के लिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बच्चों <coughs> जो आपको पॉली होगा जैसे सपोज करिए पी एक्स प्यारे बच्चों आपके पास गिवन है x प्लस वन तो बच्चों पी एक्स की यहाँ पर डिग्री क्या होगी आपकी वन हो जाएगी क्यों हो जाएगी क्योंकि जो वेरिएबल है आप वे चेक करेंगे कि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है तो मैक्सिमम पावर यहाँ पर x जो वेरिएबल है उसकी कितनी है वन है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी वन तो रिकॉल दैट पी इज अ पॉलिनोमियल इन एक्स द हाइएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी तो डिग्री क्या होती है द हाइस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स तो जो पी एक्स में हाइस्ट पावर होगी सपोज करिए अगर मैं लिखता हूँ बच्चों पी एक्स एक्स क्यूब प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस सेवन तो इसकी डिग्री कितनी होगी आप मुझे बताइए पी एक्स है और पी एक्स में आपकी वेरिएबल की हाइएस्ट पावर कितनी है थ्री है तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी तो ये होता है बच्चों डिग्री डिग्री ऑफ पॉलिमल जो कि आप ऑलरेडी नाइन्थ में कर चुके हैं तो आइए बच्चों अब हम लोग आगे चलते हैं वैसे ही सारी चीजें आपको पता है को हम लोग करते हैं कि क्या होते है। तो बच्चों पी एक्स इज इक्वल बी लिया गया आपको उससे कंफ्यूज नहीं होना है, कि Ax plus B है या फिर टू एक्स प्लस थ्री है अभी हम डिस्कस करेंगे वो चीजें

तो वहां पर आप इसको लीनियर पोलिनल बोल नहीं सकते इसलिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है वो कि ए नॉट इक्वल टू मीन एक्सप्रेशन है यहाँ पर डिग्री क्या होने वाली है one होने वाली है तो बच्चों एग्जाम्पल हम लोग देख सकते हैं कि माइन टू एक्स माइनस थ्री है रूट थ्री एक्स प्लस फाइव है या फिर आप अपनी तरफ से ले सकते हैं फाइव एक्स प्लस सेवन है तो बच्चों ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं वो किसके होने वाले आपके लीनियर पॉलिनॉमल के होने वाले हैं आइए बच्चों अब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमल को देखते हैं तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल क्या होता है एनी पॉलिनोमल एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायेयर प्लस बी एक्स प्लस सी तो बच्चों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेंथ लेवल पे जहां पर भी आपको क्वाड्रेटिक वर्ड मिलेगा लाइक एक कंप्लीट चैप्टर है आपका फोर्थ चैप्टर वहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको स्टडी करना है तो वही वहां पर भी आपकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो क्या होती है एक्स स्क्वायेयर प्लस बी एक्स प्लस

क्योंकि आप खुद ही सोचिए अगर a जीरो हो गया तो जीरो इंटू एक्स स्क्वायर मीन्स जीरो इंटू समथिंग क्या होता है जीरो होता है और bx एक्स प्लस सी बचेगा तो bx एक्स प्लस सी कैसा हो जाएगा लीनियर हो जाएगा लेकिन हमें क्वाड्रेटिक चाहिए तो हमें अगर क्वाड्रेटिक चाहिए तो मुझे ये कंडीशन इम्पोज करनी पड़ेगी कि a नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए मीन्स एक्सप्रेशन हैविंग डिग्री टू तो इसकी डिग्री कितनी होगी बच्चों दो होगी एग्जाम्पल देख लेते हैं बच्चों माइनस फाइव हो गया टू एक्स स्क्स एक्स माइनस नाइन हो गया या कुछ भी आप बना सकते हैं क्वाड्रेटिक हम आगे इस चैप्टर में बहुत अच्छे से करने वाले हैं तो एग्जाम्पल क्या हो सकता है टू एक्स स्क्वायर प्लस सेवन भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल है यहाँ पर बी जीरो हो सकता है लेकिन डेफिनेटली ए जीरो होने का कोई चांस नहीं होना चाहिए क्योंकि ए अगर जीरो हो जाएगा तो फिर आपको पॉलिनॉमल लीनियर हो जाएगा ओके स्टूडेंट्स आइए देखते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमल क्या होता है तो क्यूबिक पॉलिनोमल एक ऐसा पॉलिनोमल होता है जिसमें डिग्री क्या होती है प्यारे बच्चों थ्री होती है जिसकी डिग्री क्या होती है थ्री होती है यानी यहाँ पर जो वेरिएबल होगा उसकी हाईएस्ट पावर कितनी होगी थ्री होगी तो एनी पॉलिनोमल एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ एन पॉलिनोमल इक्वेशन पी एक्स इज इक्वल टू वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर ए और बी क्या है रियल नंबर है ए नॉट इक्वल टू जीरो तो अगेन स्टूडेंट्स ये ए नॉट इक्वल टू जीरो क्यों दिया गया है क्योंकि यहाँ पर आपका ए अगर जीरो हो जाएगा तो यहाँ पर क्यूब वाली टर्म आपकी फिनिश हो जाएगी क्यूब मीन्स पावर थ्री वाली यानी एक्स क्यूब वाली टर्म मीन्स एक्सप्रेशन डिग्री थ्री तो एग्जाम्पल क्या हो गया बच्चों टू एक्स क्यूब माइनस थ्री एंड रूट थ्री एक्स क्यूब तो बच्चों ये आई होप आपको समझ में आया होगा और भी हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं जैसे टू एक्स क्यूब प्लस सेवन एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू बच्चों भी आपका क्यूबिक पॉलिनोमल का एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पर आपका क्यूब के साथ क्या है दो है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स कंडीशन तभी इम्पोज की जाती है जब वहां पर कोई कॉन्स्ट ए अननोन है आपके लिए ए आपके बारे आपको ए के बारे में कुछ नहीं पता है तो आप कंडीशन अपनी तरफ होगा और बी अगर जीरो हो, तो हो, हो जाएगा तो कॉन्स्टेंट में हो जाएगा तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये चीज क्लियर हुई होगी अब आइए मैं कुछ चीजें और आपके साथ डिस्कस करता हूँ जैसे फर्स्ट थिंग है बच्चों जीरो पॉलिनामल आपको ये समझना है प्यारे बच्चों कुछ और पॉलिनोमल जो आपको ऑलरेडी नाइन्थ में करके आ चुके हैं जैसे फर्स्ट है बच्चों जीरो पॉलिनोम जीरो पॉलिनोमल तो आपको एक बार इस पर थोड़ा सा ध्यान देना है बस दूसरा है बच्चों कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल ओके स्टूडेंट्स जीरो पॉलिनोमल और कांस्टेंट पोलिनोमल तो जो जीरो होता है बच्चों वही आपका क्या होता है ज़ीरो पॉलिनल यानी जो ज़ीरो वैल्यू है आपका जो ज़ीरो इंटीजर है वही क्या है जीरो पोलिनल कांस्टेंट पॉलिनोमल यानी कि जब भी कोई भी कांस्टेंट आपके पास आ जाए यानी थ्री आ जाए फाइव आ जाए सेवन आ जाए तो इसे हम क्या बोलते हैं कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल अब बच्चों यहाँ पर हम डिग्री से रिलेटेड अगर बात करें तो ज़ीरो पॉलिनॉमल की डिग्री क्या होती है अनडिफाइंड होती है ये आपने पढ़ा होगा डिग्री क्या होती है बच्चों अनडिफाइंड होती है तो ये नाइन्थ में भी मैंने आपको बहुत ही अच्छे से कराया है कि यहाँ पर डिग्री अनडिफाइंड क्यों होती है और यहाँ पर बच्चों इसकी जो डिग्री होती है वो ज़ीरो होती है इसकी डिग्री क्या होती है ज़ीरो होती है तो बच्चों ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है कि ज़ीरो पॉलिनॉमिल की डिग्री क्या होती है अनडिफाइंड होती है और कॉन्स्टेंट पॉलिनॉमिल की डिग्री क्या होती है ज़ीरो होती है तो बच्चों ये चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी क्यों जीरो होती है इस चीज़ को भी समझ लेते हैं तो बच्चों एक्स की हाइएस्ट पावर होती है अब थ्री में कोई एक्स तो है नहीं तो थ्री में आप क्या लिख सकते हैं थ्री को थ्री इंटू वन लिख सकते हैं और बच्चों वन आप सभी को पता है कि एक्स की पावर जीरो होता है तो बच्चों थ्री क्या हो गया अगर मुझे एक्स लाना है तो मैं इस तरह से लिखूंगा अब देखिए आप x की पावर यहाँ पे क्या है जीरो है तो इसलिए इसकी डिग्री क्या हो जाएगी जीरो हो जाएगी लेकिन जीरो पॉलिनोमल की डिग्री अनडिफाइंड इसलिए होती है आइए इस बात को भी समझ लेते हैं कि ज़ीरो को आप क्या लिख सकते हैं बच्चों जीरो को आप लिख सकते हो कि ज़ीरो इंटू एक्स की पावर वन भी लिख सकते हो जीरो को अगेन ज़ीरो इंटू एक्स की पावर दो भी लिख सकते हो जीरो को लिख सकते हो ज़ीरो इंटू एक्स की पावर थ्री भी ले सकते हो तो इस तरह से वन टू थ्री बहुत सारी डिग्रीज आएंगी तो क्या आप डिफ़ाइन कर सकते हैं कि कोई एक सिंगल वैल्यू होगी कभी डिफाइन नहीं कर सकते क्योंकि ज़ीरो में अगर हम एक्स लाने की कोशिश करेंगे तो देयर आर मैनी पॉसिबिलिटीज़ ऑफ द पावर ऑफ दी एक्स ओके स्टूडेंट्स तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पर जीरो पॉलिनॉमल और कांस्टेंट पॉलिनॉमल की डिग्री क्या होती है आइए हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं क्यूबिक पॉलिनॉमल क्या होता है डिग्री थ्री होती है डिग्री ऑफ पॉलिनॉमल हाईएस्ट पावर होती है लीनियर पॉलिनॉमल जिसकी डिग्री वन होती है और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल क्या होता है जिसकी डिग्री दो होती है तो स्टूडेंट्स अभी तक हमने डिग्री के रिगार्डिंग चीजें की हैं आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो रही होगी कि मैं यहाँ पर कैसे आपको चीज़ों को बता रहा हूँ तो स्टूडेंट्स आपने ये देखा कि जीरो पॉलिनल क्या होता है लेकिन बच्चों आपको कंफ्यूज नहीं होना है जीरो ऑफ पॉलिनोमल अगर लिखा हो तो वो अलग चीज़ है लेकिन ज़ीरो पॉलिनल अलग चीज़ है तो जीरो पॉलिनॉमल एक ऐसा पॉलिनोमल होता है हम पॉलिनॉमिल की बात कर रहे हैं जबकि वहां पर हम पॉलिनोमल ऑफ जीरो की बात करेंगे तो आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है जीरोज ऑफ पॉलीनोमियल। तो जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल क्या होते हैं बच्चों इस चीज को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तो जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों तो जीरोज ऑफ द पॉलीनोमियल वेरिएबल की एक ऐसी वैल्यू होती है जिससे जब हम पोलिनोमल में पुट करते हैं तो पोलिनोम इट्सल्फ क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो आपने ये नाइन्थ में भी किया है, लेकिन हम इसको रिवाइज कर लेते हैं जैसे कि अभी तक जो भी हम कर रहे हैं ये सब ऑलरेडी आप 9th में कर चुके लेकिन हम इसको रिवाइज कर रहे हैं ठीक है स्टूडेंट्स आइए देखते हैं ऑफ द के रिगार्डिंग हम लोग पे बात करेंगे तो मैं फिर से आपको बता देता हूं इट इज द वैल्यू ऑफ द दबल एट विच एनी पोलिनोम बिकम्स जीरो तो जैसे बच्चों मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं तो आपको अगर डेफिनेशन लिखना है तो लिख सकते हैं कि इट इज अ वेरेबल इट इज द वैल्यू ऑफ द वेरेबल इट इज वैल्यू ऑफ द वेरेबल जो भी आपका वेरिएबल है उसकी वैल्यू ठीक है वेरिएबल की वैल्यू एट विच पॉलीनोमियल becomes equal to 0. Polynomials becomes equal to 0. तो बच्चों, for example, अगर हम देखें कि मेरे पास polynomial px है, px polynomial I am having and अगर आपका x is equal to k पर x इज इक्वल टू के पर वैल्यू निकालेंगे तो बच्चों वैल्यू क्या आएगी पी के आएगी और पी के इफ पी के इक्वल टू जीरोन एक्स इक्वल टू के विल बी दीरो विल बी दीरो बच्चो ये चीज आप समझ रहे होगे कि यहां पे जीरो क्यों हो रहा है तो x इज इक्वल टू के पर मैंने पॉलिनामल की वैल्यू फाइंड की तो x x पर polynomial की value कितनी आएगी PK आएगी क्योंकि ये आप already कर चुके हैं मान लीजिए जीरो ऑफ पॉलिमल तो, 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 तो इससे कंफ्यूज नहीं होना ऑफ पॉलिनोम इसको आप कंप्लीट कर लेंगे तो बच्चों एक्स इज इक्वल टू के पर अभी के वगैरह में अगर कंफ्यूजन हो रही है तो मैं एक छोटा एग्जाम्पल लेकर के आपके साथ डिस्कस करूंगा तो आइए देखते हैं एग्जाम्पल को डिस्कस करते हैं मान लीजिए आपका पॉलिनोम पी एक्स एक्स प्लस वन है तो अब मैं आपको ये बोलता हूं कि मुझे बताइए इज एक्स इक्वल टू माइनस वन जीरो और नॉट इज अ जीरो और नॉट का मतलब क्या हुआ कि आपने पी माइनस वन निकालना है पी माइनस वन क्या माइनस पी एक्स ही है तो एक्स की जगह पे माइनस वन रख देंगे माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा जीरो तो मैं कह सकता हूँ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन क्या होगा इज ऑफ़ गिवेन पी एक्स तो ये क्या होगा बच्चों आपका जीरो हो जाएगा स्टूडेंट्स इस तरह से आप जीरोस को फाइंड करते हैं और आइए बच्चों अब हम लोग देखते हैं जीरोस ऑफ द पोलीनोमल कुछ फाइंड करते हैं कि जीरोस ऑफ द पोलिनॉमल इसका होगा या फिर नहीं होगा हमें ये चेक करना है कि जीरोस होगा या नहीं होगा तो बच्चों आपको मैं अगर ये कह रहा हूँ कि चेक करो कि एक्स इज इक्वल टू माइनस वन क्या इसका जीरो है या फिर आप ये कह सकते हो बच्चों कि माइनस वन क्या इसका जीरो है तो आप डेफिनेटली माइनस वन इज इज माइनस वन आ जीरो तो जीरो माइनस 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 वन बच्चों जीरो कब होगा माइनस वन जीरो तभी होगा जब अगर हम पी माइनस वन को फाइंड करेंगे और अगर पी माइनस वन आपका जीरो के इक्वल आ जाता है तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि ये इसका क्या होगा जीरो होगा तो आइए बच्चों पी माइनस वन फाइंड करते हैं तो बच्चों मैंने पी माइनस वन फाइंड किया है तो माइनस वन का क्या होगा स्क्वायर माइनस थ्री इंटू माइनस वन माइनस फोर तो माइनस वन का स्क्वायर वन माइनस थ्री और बच्चों क्या होगा आपका यहाँ पर प्लस हो जाएगा थ्री क्यों माइनस इंटू माइनस प्लस n माइनस फोर तो वन प्लस थ्री फोर माइनस फोर यानी प्यारे बच्चों क्या आएगा जीरो आएगा तो मैं ये कह सकता हूँ p माइनस वन क्या होने वाला है जीरो होने वाला है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूँ कि ये आपका क्या होगा जीरो होगा तो बेसिकली स्टूडेंट्स अब हम करने वाले हैं जेमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द तो जीमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पोलिनोवल तो बच्चों जेमेट्रिकली मतलब क्या होता है का आपको जीरो समझना है तो आप मुझे एक चीज बताइए कि जो वैल्यू है माइनस वन वो आप किसकी जगह पुट कर रहे हो आप एक्स की जगह पे पुट कर रहे हैं और अगर आप एक्स की जगह पे पुट कर रहे हैं तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स मैं ये कह सकता हूँ कि यहां पर एक्स की वस वैल्यू पे पॉलिनोमल अपने आप को क्या कर ले रहा है जीरो कर ले रहा है तो बच्चों अगर मैं ग्राफ की बात करता हूँ तो लीनियर पॉलिनोमल है तो उसका एक जीरो होगा जैसे सपोज करिए टू एक्स प्लस थ्री है तो बच्चों यहाँ पर जैसे कि हमने एक्स प्लस वन लिया था तो एक्स प्लस वन का जीरो क्या था माइनस वन था या फिर अगर आप उसको इससे जीरो को फाइंड करना है तो आप क्या करेंगे इस पॉलिनोमल को इक्वल टू जीरो जैसे नाइन्थ में करते थे इक्वल टू जीरो पुट करके एक्स की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे देन <coughs> बच्चों यहाँ पर आपका ये है जैसे माइनस वन आपने देखा तो डेफिनेटली इसका जो प्लॉट करेंगे आप जब ऑल दो प्लॉट आपके टेंथ लेवल पे क्वाड्रेटिक <coughs> का नहीं है बट आपको जेमेट्रिकली समझना है कि जेमेट्रिकल मीनिंग क्या है तो जैसे बच्चों ये लीनियर पॉलिनोमल है आपके पास कोई भी लीनियर पॉलिनोमल लीनियर लाइन होगी जैसे सपोज करिए बच्चों आपके पास दिया गया है टू एक्स प्लस थ्री वी डोंट नो कि ये पॉलिनोमल क्या है बट यहाँ पर जो मीनिंग आपको समझना है वो ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझना है तो आपको यह समझना है कि जीमेट्रिकल पॉलीनॉमल का मतलब क्या होता है तो प्यारे बच्चों आप मुझे ये बताइए कि जो ये एक्स एक्सेस है और ये वाई एक्सेस है तो आप मुझे ये बताओ ये लाइन जो है एक लीनियर मतलब एक लाइन है तो लीनियर पॉलीनॉमल होगा कहीं ना कहीं क्योंकि लाइन आपने नाइन्थ में कर रखी है कि लाइन अगर आपकी वन वेरेबल में टू वेरेबल में है तो आप कैसे उसको प्लॉट करेंगे ठीक है तो यहाँ पर बच्चों टू <coughs> वेरेबल्स में लीनियर इक्वेशन दी गई है पॉलीनोमल दी गई है तो इस आई एम सो सॉरी वन में दी गई है तो इस पे आपका क्या होने वाला है जीरो होने वाला वो में टू होता है मतलब आप पी एक्स लिख रहे हैं लेकिन अगर आप पी एक्स की जगह वाई लिख दें तो आप कह सकते हैं कि ये भी आपका क्या होने वाला है टू वेरेबल में तो ये चीज आपको समझनी है कि एक्स की कुछ वैल्यू दी गई है और वाई की वैल्यू को आप फाइंड कर रहे हैं एक्स की वैल्यू ले रहे हैं अपनी तरफ से वाई की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो इस तरह से जब सारे पॉइंट को ज्वाइन कर रहे हैं तो एक लाइन मिल रही है और ये लाइन एक्स एक्सेस को कहाँ पे कट करी इस पॉइंट पे कट करी तो मैं ये डेफिनेटली कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट होगा इस पॉलीनोमल का क्या होगा जीरो होगा ये एक लीनियर पॉलिनोमल है तो लीनियर अब ग्राफिकली या जोमेट्रिकली इसका मीनिंग क्या होता है कि वेरेबल की ऐसी वैल्यू यानी एक्स की ऐसी वैल्यू जिस पर पॉलीनोमल इक्वल टू जीरो हो जाता है वही आपका क्या होता है जीरो होता है तो बच्चों जब हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमल को ड्रॉ करते हैं तो वो आपको पैराबोलिक सेप देता है सबसे पहले ये चीज़ आपको ये समझनी है कि पैराबोला बनेगा क्या बनेगा अब पैराबोला बच्चों दो टाइप का हो सकता है एक अपवर्ड हो सकता है और एक डाउनवर्ड हो सकता है तो पैराबोला आप सभी जानते हैं तो पैराबोला का मतलब होता है बच्चों जो आपकी जैसे आप बॉल को थ्रो करते हैं तो बॉल को अगर थ्रो करेंगे तो आपकी कैसी बात बनेगी तो वो आपने यहाँ से थ्रो किया थ्रो किया तो एक सर्टेन हाइट तक जाएगी और सर्टेन हाइट से फिर क्या आएगी नीचे आएगी तो इस तरह से मैं कह सकता हूँ कि इस तरह से ट्रेजेक्ट्री इसकी बनेगी और इसी को अगर हम रिवर्स कर देंगे तो इसको बोलते हैं अपवर्ड और इसको डाउनवर्ड तो बॉल का जो थ्रो होता है उसमें जो पाथ बनता है वो आपका डाउनवर्ड पैराबोला होगा ओके okay, स्टूडेंट्स तो अगर इस तरह से मैंने बात किया तो ये जो पैराबोलिक आपका कर्व है या पैराबोलिक आपका सेप है जो मिल रहा है जो आपको ड्रॉ करने के बाद ऑल दो ड्रॉ आपको नहीं करना है दैट इज नॉट रिलेटेड टू योर सिलेबस तो आपको ऐसा नहीं करना है कि एक्स की वैल्यू ले रहे हैं और वाई की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं फिर उसको प्लॉट कर रहे हैं फिर कनेक्ट कर रहे हैं तो ये नहीं करना है सिर्फ आपको सेफ से मतलब है सेफ के पीछे आप यहाँ जीरो को कैसे फाइंड कर पाएंगे पह, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसे इस तरह से आपको ग्राफ दिया गया है तो इसमें कितने जीरोज़ होंगे यानी कितनी ऐसी एक्स की वैल्यूज़ हैं जहां पर ये पॉलिनॉमल आपका ज़ीरो के इक्वल हो जाता है तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स अगर ये मेरी एक्स एक्सेस है ये एक्स एक्सेस होगी और प्यारे बच्चों ये मिड में आपकी क्या होगी वाई एक्सेस होगी इस तरह से आई एम सो सॉरी यहाँ पर वाई एक्सेस होगी क्योंकि यहाँ पर वाई के पॉइंट्स लिए गए हैं और इस लाइन में एक्स के पॉइंट को लिया गया है तो बच्चों यहाँ पर मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ ये बच्चों एक्स एक्सेस है और ये क्या आपके वाई एक्स तो है और ये वाई स्टूडेंट्स okay, तो इस तरह से आपने क्या किया है ड्रॉ किया है तो ड्रॉ करने के बाद जब आपने पॉलिनोमल ड्रॉ किया तो ये पॉलिनोम एक्स को दो जगह पे कट कर रहा है तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि यहां पर कितने जीरो होंगे टू जीरो होने वाले हैं

तो फ्रॉम अवर ऑब्जर्वेशन अर्लियर अबाउट द सेप ऑफ द केसेस कैन हैपन तो यहाँ पर जो ग्राफ है वो एक्स एक्सेस को कितने पॉइंट पे कट करता है टू डिस्टिंग कट करता है तो टू डिस्टिंग कट कर रहे हैं मतलब यहाँ पर कट कर रहे और यहाँ पर कट कर रहे ओके माई डियर स्टूडेंट्स डिस्ट्रिंक्ट पॉइंट्स टू डिस्ट्रिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी तो ए एंड बी पर कट करें द क्वारिनेट्स ऑफ ए एंड बी आर द टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक। तो बच्चों यही चीज आपको समझनी थी और वही मैं आपको समझा रहा था कि टू जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिमल x स्क्वायर प्लस c इन दिस केस ओके माई डियर स्टूडेंट्स तो आई होप ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी कि यहाँ से यहाँ पर ये यह चीज़ें क्या हो रही है दो जीरोज य आपको मिलने वाले हैं hmm. कितने जीरोज मिलने वाले हैं दो जीरोज मिलने वाले और यहाँ पर बच्चों आपको कितने जीरोज़ मिलेंगे दो जीरोज़ मिलेंगे तो यहाँ पर ये यहाँ पर कट करें इसमें भी दो जीरोज़ मिलेंगे तो दोनों में डिफरेंस क्या है अपवर्ड एंड डाउनवर्ड्स का डिफरेंस है कि ये अपवर्ड है और ये बच्चों क्या है आपका डाउनवर्ड्स है तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये अपवर्ड होगा और ये जहाँ पर पॉलिनोमल का वर्ड टैक्स ये वर्ड <coughs> जो सॉरी पैराबोला का वर्डैक्स अगर नीचे होगा तो ये अपवर्ड होगा अगर पैराबोला का वर्डैक्स ऊपर होगा अगर वर्टेक्स वाली चीज ऊपर होगी तो बाकी चीज नीचे आ गई तो डाउनवर्ड होगा लेकिन वर्टेक्स वाली चीज अगर आपकी नीचे और बाकी चीज ऊपर है तो वो क्या जाएगा अपवर्ड हो जाएगा तो बच्चों ये ये वर्टेक्स होता है ये आपको ध्यान रखना है जो पैरा बोला है इसमें वर्टेक्स कौन सा पॉइंट है ये वाला पॉइंट है और वर्टेक्स कौन सा पॉइंट ये वाला है आइए देखते हैं बच्चों नेक्स्ट केस नंबर दो हियर द ग्राफ कट्स द एक्स एक्सेस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट तो बच्चों जब भी आपका एक्स एक्सएक्स पे वन पॉइंट पे कट करेगा at two coincident points, so the points A and एंड एडेस of case one coincide here to become one point. तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पर basically students हुआ क्या मैं आपको difference समझाता जैसे ये polynomial था आपने क्या किया इस polynomial को ऊपर की तरफ pull किया तो जब आप ऊपर की तरफ pull करेंगे तो एक ऐसी situation आएगी कि ये जो vertex है बच्चों ये जो vertex है ये वाला जो vertex है ये आप पुल करते जाएंगे करते जाएंगे तो एक ऐसी सिचुएशन आएगी कि पे आके टच करने लगेगा तो अगर पे आके टच करने लगेगा तो आप मुझे कह सकते हैं कि वहाँ पर आपका दो पॉइंट तो मिलेंगे लेकिन दोनों ही पॉइंट आपके एक दूसरे के क्या होंगे कोइंसिडेंट होंगे अब कोइंसिडेंट कैसे होंगे इस चीज को मैं समझाता हूँ तो बच्चों यहाँ पे देखो आप जैसे आपके पास ये पैराबोला था स्टार्टिंग में आपने ऐसे बनाया फिर बच्चों आपने इसको ऊपर पुल किया तो और थोड़ा सा पुल किया तो ये कैसा बनेगा ऐसा बनेगा बनेगा फिर और पुल किया तो कैसा बनेगा? ये यहां से टच होकर ऊपर निकल जाएगा तो यानी ये वाला पॉइंट यहाँ पर आ गया है तो अभी जब तक ये पॉइंट यानी ये वाला जब एरिया आपको मिल रहा था तो यहाँ पर दो डिफरेंट पॉइंट मिल रहे थे लेकिन जैसे जैसे हम इसको ऊपर पुल कर रहे हैं तो ये वाले जो पॉइंट्स हैं वो पास पास आते जा रहे हैं आप देख रहे हो यहाँ पे डिफरेंस ज्यादा था उनकी डिस्टेंस का अब हमने ऊपर पुल किया तो ये और पास आया और ऊपर पुल करेंगे तो और पास आएगा लेकिन एक सिचुएशन ऐसी आएगी जब ये दोनों एक के ऊपर एक आ जाएंगे को हो जाएंगे दैट मीन्स ये पास आते जाएंगे आते जाएंगे आते जाएंगे फिर इनके बीच की डिस्टेंस अगर ज़ीरो हो जाएगी और अगर डिस्टेंस ज़ीरो हो जाएगी तो डेफिनेटली वहाँ पर आपके क्या होने वाले हैं दोनों पॉइंट सेम होने वाले तो दो पॉइंट तो होंगे बट दोनों ही पॉइंट की वैल्यू क्या होगी इक्वल होगी यानी एक ही एक्स पर दोनों पॉइंट क्या करेंगे कोइंसाइड कर जाएंगे तो बच्चों यही आपको यहां पर दिया गया आइए हम लोग देख लेते हैं इसको तो जैसे जैसे हमने इसको पुल करते गए करते गए करते गए तो यहाँ पर आपका एक पॉइंट मिलने वाला है ए और यहां पर भी डाउनवर्ड आप इसको पुल करेंगे तो नीचे की तरफ पुल करते जाएंगे करते जाएंगे तो यहां पर कुछ वैल्यू मिलेगी आपको वो वैल्यू पास आती जाएंगी आती जाएंगी आती जाएंगी पास में और एक पॉइंट पर टच करेंगे तो यहां पर को कर रहा है ये इंपॉर्टेंट है बिकम वन पॉइंट क्या बन रहा है वन पॉइंट केस नंबर थ्री को देखते हैं हियर द ग्राफ इज आइदर कंप्लीटली अब द एक्स एक्सेस और कंप्लीटली बिलो द एक्स एक्सेस तो जो एक्स एक्सेस है बच्चों आपकी एक्स एक्सेस कौन सी है ये वाली है, ये एक्स एक्सेस है और ये कौन सी है वाई एक्सेस है तो ये x एक्सेस है और ये क्या है y एक्सेस है तो x की कंप्लीटली ऊपर है यानी यहाँ पर ऊपर है सो इट डज नॉट कट द एक्स एक्सेस एट एनी पॉइंट तो ये x एक्सेस को कभी भी कट नहीं करेगा तो अगर कट नहीं करेगा तो यहाँ पे जीरोज भी आपके क्या होने वाले हैं कोई भी जीरोज नहीं होंगे तो यहाँ पे आंसर होगा बच्चों नो जीरोज यहां पर भी बच्चों आंसर होगा नो ओके आइए देखते हैं। लुक एट द ग्राफ अब आइए बच्चों हमने थ्योरी पार्ट कंप्लीट कर लिया जितना भी थ्योरी था यहाँ पर हमने उसको कंप्लीट कर लिया आइए प्यारे बच्चों अब हम लोग देखते हैं कि हमारे पास एग्जाम्पल जो है एनसीआर के वो हम कंप्लीट करने जा रहे हैं तो लुक एट ग्राफ गिवन बिलो तो हमें ईज ग्राफ को क्या करना है देखना है ईच इज गि तो y इज इक्वल टू पी एक्स का ये क्या है आपका ग्राफ है <coughs> y इज इक्वल टू पी एक्स का क्या है ग्राफ है वेयर पी एक्स इज अ पॉलीनोमियल पी एक्स क्या है आपका पॉलीनोमियल है पी एक्स अगर पॉलीनोमियल है फॉर ईच ऑफ द ग्राफ तो कोई दिक्कत नहीं है फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड कर रहे हैं कितनी जगह पे कट कर रहे हैं दो जगह पे कट कर रहे हैं तो कितने जीरोस हो जाएंगे दो हो जाएंगे यहाँ पे प्यारे बच्चों कितनी जगह पे कट कर रहा है एक जगह पे तो कितने हो जाएंगे एक जीरो सिंपल सी चीज है बहुत ही आप सिर्फ ग्राफ को देखकर ऐसे ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में में पूछे जाएंगे कि वहां पर वन मार्क क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एक ग्राफ आपको दिया गया और आपसे ये पूछा गया है कि इसमें कितने जीरोस होंगे तो आपको ये देखना है सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सेस पे कितनी जगह पे कट कर रहा है और उतने ही क्या होने वाले हैं जीरोस बच्चों यहाँ पे कितने जीरोस होंगे वन जीरो होंगे और यहाँ पर डेफिनेटली स्टूडेंट्स कितने जीरो होने वाले हैं थ्री जीरो बच्चों बहुत ही ईजी आई होप एट एंड बॉटम लाइन आपको याद रखनी है कि जितनी जगह पे कट करेगा तो वन जगह पे कट कर रहे हैं दो तीन एंड चार तो नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे चार होंगे यहां पर बच्चों आपका कि एक जगह पे कट कर रहा है तो टू इक्वल जीरो मिलेंगे टू इक्वल मिलेंगे। तो आइए बच्चों देखते हैं हमारे पॉलिनोमल्स में क्या है क्वेश्चन नंबर वन तो बच्चों आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं। और सभी जानते हैं कि पीएक्स क्या होता है ठीक है, है आप सब नाइन्थ में कर चुके हैं कि जो पीएक्स होता है बच्चों वो क्या होता है पॉलीनोमल होता है मतलब तो जो पॉलिनोमल होते हैं आप उसका कुछ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं बहुत ईजीली आप ग्राफ को कैसे ड्रॉ कर सकते हो टेंथ पे बच्चों आपने पे आपने लाइन्स, जैसे लाइन्स की ग्राफ को बनाया लाइन जैसे होगा यानी लाइन बनाई होगी तो लाइन कैसे बनाई थी लाइन आपने ऐसे बनाई थी कि एक्स की कुछ वैल्यू पुट की फिर वाई की वैल्यू को फाइंड किया तो इस तरह से दो तीन पॉइंट्स आपने फाइंड कर लिए और दो तीन पॉइंट फाइंड करने के बाद आपने क्या करना है उनको ज्वाइन कर देना है तो जब आप उनको ज्वाइन करेंगे तो इस तरह से आपको क्या मिलने वाला है एक लाइन मिलने वाली ओके स्टूडेंट्स okay, तो इसी तरह से बच्चों जो तो उस तरह से हम को, उस को बनाएंगे और ये ग्राफ वही दिए गए तो ग्राफ ऑफ वाइज टू पी एक्स बच्चों यहां पर ग्राफ तो ये सी का फिगर फॉर समोमल पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ ऑफ इन ईच केस तो बच्चों आपको मैं याद दिला देता हूँ कि जीरोज तो ऐसी वैल्यूज होती थी वेरेबल्स की जो अगर पोलिन में पुट की जाती थी तो पोलिन इट सेल्फ क्या हो जाता था जीरो हो जाता था तो बच्चों आइए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे यहाँ पर जीरोज जो होंगे उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं So, zeros are the value of variable. Values of variable which are when put into polynomial, put into polynomial, then polynomial becomes zero. पॉलीनोमियल क्या हो जाता है जीरो हो जाता है तो जीरोस क्या होते हैं बच्चों जीरोस ऐसी देन पोलिनोम इक्वल टू दीरोनोमल इक्वल टू जीरो हो जाता है. है इसका मतलब ये हुआ बच्चों कि पॉलिनोम की वैल्यू जीरो कब हो सकती है पॉलीनोमियल की वैल्यू जीरो तभी हो सकती है जब आपका जो ग्राफ है उसमें y जो है वो जीरो के इक्वल हो जाए y जो है वो किसके इक्वल हो जाए जीरो के इक्वल हो जाती है ये बच्चों x एक्सेस है और ये y एक्सेस है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं y होगा x एक्सेस है बच्चों ये ऑलरेडी आप कोऑर्डिनेट में कर चुके हैं कि जो x एक्सेस होती है उसमें y क्या होता है जीरो होता है यानी यहां पर हर जगह पर y क्या होगा जीरो होगा यानी ग्राफ अगर आपका x एक्सेस को टच या कट करता है तो मैं कह सकता हूं कि वो उसका क्या होगा जीरो होगा तो एट द एंड बॉटम बॉटम लाइन लाइन क्या याद रखना है ये है ये कि अगर X में ग्राफ कहीं पर भी टच कर रहा है या कट कर रहा है तो मैं इसको मान सकता हूं कि ये वैल्यू पे पॉलिनामल इक्वल टू क्या होने वाला है जीरो होने वाला है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी पॉलिनोम इक्वल टू जीरो क्या इसमें बताइए पॉलिनोमल का जो ग्राफ है वो क्या है सिर्फ इतना बार्ट है यानी एक मैं कह सकता हूं कि ये एक्स एक्स की एक पैरल लाइन है और अगर ये की एक पैरल लाइन है तो क्या कभी ये को को कट करेगा? Sorry, X को कट करेगा करेगा सॉरी क्योंकि वो तो X के पैरल है और एक्स के अगर पैरल है तो पैरल लाइन तो कभी मिलेगी नहीं एक्स एक्स भी एक आपकी एक तरह से लाइन है और वाई एक्सेस भी एक लाइन है तो क्या कभी ये लाइन एक्स को मिलेगी तो डेफिनेटली ये लाइन कभी भी एक्स को नहीं मिलेगी तो यहां पर जो फर्स्ट पार्ट है बच्चों मैं इसको इरेज कर देता हूं और यहां पर स्टूडेंट्स फर्स्ट पार्ट में आपका जो आंसर होगा देयर देयर इज नो जीरो तो पे स्टूडेंट्स आपको लिखना है देयर इज नो जीरो तो यहां पे लिखेंगे देयर इज या आर नो जीरो ऑफ एक्स तो बच्चों यहां पर जो है देर इज और नो जीरो रीजन यही है कि ग्राफ को देखना है सिर्फ ऑब्जर्व करना है और ऑब्जर्व करने के बाद ये बताना है क्या ये आपका कोई भी जीरो होगा यहाँ पर तो यही बताना है नंबर ऑफ जीरोस आपको बताने थे क्या बताने थे बच्चों नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी एक्स तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे जीर जीरो होंगे यानी जीरोस जो होंगे वो क्या होंगे जीरो होंगे ओके okay, स्टूडेंट्स आइए देखते हैं बच्चों अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है तो बच्चों जीरोस आपको क्लियर हो गया कैसे फाइंड करते हैं यहाँ पर आइए बच्चों अब हम देखते हैं यहाँ पर कितने जीरोस होने वाले हैं। तो डेफिनेटली स्टूडेंट्स एक्स एक्सेस पे पॉलिनोम सिर्फ एक बार जा रहे हैं और फिर ऊपर निकल जाते हैं यानी ये ग्राफ नीचे से स्टार्ट होता है ऊपर चला जाता है तो मैं डेफिनेटली ये कह सकता हूँ कि यहाँ पर कितने जीरोज होने वाले हैं सिंस द ग्राफ ऑफ द पॉलिनोम पी कट्स या इंटरसेक्ट द एक्स एक्सेस ओनली एट वंस देन वैन वी कैन सेल्यू ऑफ एक्स विदिस्फाई दॉलिनोम हो जाएगा आइए देखते हैं नेक्स्ट द ग्राफ वाई पी एक्स आर गिवेन इन फिगर टू पॉइंट बिलो तो बच्चों स्टेटमेंट वही है बट आपको यहाँ पे क्या करना है कि ये पॉलिनोम आपको दिया गया है और इस पॉलिनोमल को आपको ध्यान से अगर देखें तो एक जगह पे यहाँ पे आपका कट कर रहा है यहाँ पे कट कर रहा है दो जगह पे और यहाँ पे तीन जगह पे। तो टोटल नंबर ऑफ ज़ीरो कितने होने वाले हैं थ्री होने वाले हैं इसके बाद स्टूडेंट्स आपके यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ होंगे यहाँ पे डेफिनेटली दो जगह पे कट कर रहे हैं तो मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे कितने ज़ीरोज़ होने वाले हैं दो ज़ीरोज़ होने वाले हैं ओके स्टूडेंट्स आइए अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बस ये लास्ट क्वेश्चन है तो बच्चों इस तरह से आपके दो ही आ, टोटल सिक्स पार्ट है तो यहाँ पे स्टूडेंट आप देख लीजिए यहाँ पे कितनी जगह पे कट कर रहा है तो एक जगह ये हो गई दो ये हो गई तीन ये हो गई और चार ये हो गई तो डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ कितने जीरो होंगे चार होंगे अब यहाँ पर बच्चों ये टच कर रहा है तो इससे कंफ्यूज आपको नहीं होना है, आपको यह समझना है कि यहां पर एक जगह पे टच हो रहा है तो एक जीरो ये हो गया दो ये हो गया और तीन ये हो गया तो टोटल मेरे पास कितने जीरोस होने वाले हैं टोटल देयर आर थ्री ओके स्टूडेंट्स तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि नंबर ऑफ जीरोस आप कैसे फाइंड करते हैं